खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर चुनावी रंजिश में प्रत्याशी के भतीजे की वाहन से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए न्याय न मिलने तक शव के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुड़ही गांव में प्रधान प्रत्याशी के भतीजे की मंगलवार शाम 4 बजे चुनावी रंजिश में वाहन से कुचल दिया गया, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि निवर्तमान प्रधान और उसके भतीजे सहित आधा दर्जन आरोपियों ने गांव स्थित बंधे पर शाम को मौजूद प्रिंस यादव उर्फ बिट्टू, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, उसकी हत्या की नियत से चार पहिया वाहन से उसे कुचल दिया। घायल अवस्था में परिजन उसे लेकर स्थानीय थाने पहुंचे तथा सूचना देने के बाद जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर चले गए, जिसके इलाज के दौरान रात में मौत हो गई। परिजन शव को लेकर रात ही गांव चले आए तथा पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने और आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए शव को एक विद्यालय में रखकर न्याय की मांग करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव को पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित कई थानों की फोर्स और क्षेत्राधिकारी सगड़ी राजेश कुमार तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने परिजनों और भीड़ को समझाने का काफी प्रयास किया, जबकि परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आने और न्याय दिलाने की मांग पर अड़े रहे। सीओ सगड़ी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए भीड़ को पुलिस की कार्रवाई करने की अपील करते रहे, लेकिन गांव के कुछ लोग पुलिस कार्रवाई का विरोध करते रहे, जिस पर पुलिस ने शव पर नेतागिरी और राजनीति न करने की हिदायत देते हुए सख्त रुख अख्तियार कर लिया, जिस पर पुलिस और लोगों के बीच गहमा गहमी भी देखने को मिली, लेकिन पुलिस संतुलित रूप से समझाने में ही लगी रही। पुलिस द्वारा परिवार वालों को FIR की कॉपी देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने और 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिवार वालों ने अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। कल ये संजय और अनिल लोग मिल के जो है धमकी दिए कल। किसको धमकी दिए? बड़े भाई राधेश्याम को और इसको भी प्रिंस यादव को भी, और उसके बाद जाके गांव पे राधेश्याम को धमकी दिए कि मार देंगे गोली, और अनिल को भी दिए थे। क्यों धमकी दिए? प्रधानी रंजीश को लेके कि प्रधानी हार जाएंगे तो मार देंगे गोली, और परिवार पे सुबह ही इसको आके घर पे फोन पे ही धमकी दे दिया था वो कि आज तुमको मारेंगे, मैं तुम्हारी बहन बेटी जाती है वो करेंगे। और उसके बाद बंदे पे पैदल 2 बच्चे आ रहे थे, प्रिंस और एक लड़का और था, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए। कब की घटना है? गाड़ी कल 4 बजे की घटना है, कल शाम 4 बजे की घटना है। इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाए और ये 3-4 लोग भी थे, मतलब प्लानिंग के तहत इसको मारा गया है कि इसको मार दिया जाए, और गाड़ी को बैक करके 3-4 राउंड चढ़ाया गया है। अच्छा। ये 2-3 लोग डंडे के साथ भी थे, असलहे के साथ भी थे, डंडे सवार नहीं हुआ, गाड़ी चढ़ा दी गाड़ी से। इसके बाद हम लोग जो है थाने पे ले गए इनको, थाने पे ले गए, वहाँ सूचना दिए, कोई मौके पे था नहीं, सूचना दे के हम लोग अस्पताल गए, जिला अस्पताल पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। 4-5 घंटे हम लोग थे, प्रशासन ने एडमिट किया हमको, हम सब कुछ किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के थ्रू। अच्छा। इनके थ्रू जाना चाहिए था वहाँ पे, तभी वहाँ मेडिकल करते बनाते हैं, लेकिन वो इंतजार करते रह गए, लेकिन हमको नहीं मिला। बच्चे को करीब हम लोगों ने रखा 11:30 बजे, जब सीरियस मैटर हुआ तो हम लोग सोचे कि इसको ले चला जाए कहीं, लेकिन ले जाए रिफर डॉक्टर बनाए, हम लोग बाहर ले जाए तब तक एक्सपायर हो गया बच्चा। अच्छा जी। अच्छा, हमारी मांग है कि जितने लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। कितने लोग हैं? 6-7 लोग हैं, अनिल यादव, अमन यादव, जगत यादव, रवि यादव, अमरनाथ, संजय, यही ऐसे करके हैं लोग जी। यह महाराजगंज थाने अंतर्गत कोहड़ी ग्राम में रैन बसेरा के पास एक बिट्टू यादव की कार द्वारा इनको चोटिल किया गया, और उसके बाद इनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में ऑलरेडी मुकदमा थाने पर लिखा जा चुका है। आज इनका पोस्टमार्टम किया गया है, फिर जैसी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह चुनावी रंजिश ही है, पिछले चुनाव में दोनों एक दूसरे के विरोधी समर्थक थे, तो इन लोगों का आरोप है उसी चुनावी रंजिश को लेकर के ये धमकी वगैरह देता रहता था, और इस आधार पर आज इसने घटना को पारित कर दिया। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं, लगातार टीम बनाकर दर्ज दी जा रही है।